अक्षय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज योर राइट हियर। अक्षय, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते हो, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन भी देती है, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करते हो सर, लेकिन फिर भी आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता, इसके पीछे का राज क्या है सर? व्हाट इज इट? अवार्ड अवार्ड यार, अवार्ड कोई नहीं देता यार। मैं देगा आपको अवार्ड सर। अबे ढोलकी के ये क्या उठा लिया है तू? है तेरे को फिल्मफेयर वाली लीडी का इतना बजट नहीं था तो इसलिए वो नहीं ला पाया सर। ये अफ्रीका वाली से काम चला लो, मतलब क्या होता है बे साले? अरे नाराज क्यों हो रहे हो सर? मैं कुछ भी पता नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अरे इसको अवार्ड चाहिए नहीं, साला क्या दिक्कत है इसको? रे चुन लुन पान मसाला प्रेजेंट्स TFA 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कैटेगरी से, यानी कि बेस्ट कमर्शियल मसाला मूवी। तो सबसे पहले आ रहे हैं नॉमिनेशन में सूर्यवंशी, स्पाइडरमैन नो वे होम, पुष्पा द राइज। ये अवार्ड देने आवे और TFP के सबसे मसालेदार आदमी झुन झुन के करता धरता हमारा आवाजू ताला। यौन एवं उनकी बहन को प्रणाम और ये गवार दिया जाता है दादा। ओ गवार नहीं, अवार्ड, सॉरी अवार्ड होता है। थिएटर को वापस से रिवाइव किया है, जिन्होंने फिर से हाउसफुल का बोर्ड ठीक 2 साल बाद लगाने पे मजबूर किया है। लोगों के गले से ताली सीटियां, मतलब जो निकली है सारी भरा 2 साल में निकाली गई है। अच्छा USP इसका एक्शन और म्यूजिक तो भाई इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये कोई फायदा नहीं इसका मतलब का। लेकिन म्यूजिक भी उन लोगों ने एकदम लिमिटेड रखा, बहुत ही कम समय के लिए रखा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि म्यूजिक जो है ऑलरेडी रीमेड है। सो ये फिल्म ऑल ओवर फैमिली मूवी थी। बेस्ट कमर्शियल मसाला मूवी फॉर TFP तो सूर्यवंशी है, लेकिन फॉर द ऑडियंस बेस्ट कमर्शियल मसाला मूवी ऑफ द 2021 इज स्पाइडरमैन नो वे होम। Congratulations and really it deserves. Spider-Man No Way Home भी बहुत ही अच्छी commercial मसाला movie है। After सूर्यवंशी ये भी एक film है जिसने मतलब बहुत ज़्यादा hype create किया और वो उस hype पे मतलब बनी रही, उस hype से कहीं ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा थी अच्छी film। अगली category है जो आज से पहले कभी आप लोगों ने किसी भी award function में सुना नहीं होगा ना देखा होगा। अगली कैटेगरी है फॉर द बेस्ट टट्टीएस्ट फिल्म ऑफ 2021। भैया आजकल ना अच्छी पिक्चरों के साथ साथ गंदी पिक्चरों का भी कंपटीशन हो रखा है यहाँ पे। पहले वहाँ लॉकडाउन में उस राधे ने हमारे दिमाग का आधे कर दिया, फिर अब उसके बाद अब ये कम नहीं था कि एक और आ गई सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम, उसमें साला एक जॉन अब्राहम झिला नहीं जा रहा है और वहाँ पे दो और लगे पड़े। और मतलब क्या था ये पिक्चरों में एक्शन के नाम पे जॉन अब्राहम सिर्फ इधर से उधर, मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और सिर्फ बॉडियां दिखा रहा है यूं मसल मसल के और कुछ नहीं कर रहा है। और मतलब क्या एक्शन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इधर आ रहा है उखाड़ रहा है, आ रहा है उखाड़ रहा है, आ रहा है उखाड़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या था ये? और इसके अलावा आप ये सोचिए कि वो एक 3 जॉन में से एक जॉन होम मिनिस्टर है, अब वो एंटी करप्शन का बिल पास उसका नहीं होता है ना सभा में, अब वो ऐसे में क्या करता है आदमी खुद निकल पड़ता है करप्शन को मिटाने के लिए। चलो ठीक है, बहुत ही ब्रेवरी का काम कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है ये? रात के अंधेरे में जाके हुडी में वहां पे तोड़ फोड़ कर रहा है और कोई पहचान ही नहीं रहा है, एक हुडी में है वो भाई। मिस्टीरियो तक आया ये बताने के लिए कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और ये ऐसे ही खुले सांड की तरह आ रहा है और हुडी पहन के मस्त मार रहा है और कोई पहचान ही नहीं रहा है। जो पहचान रहा है वो इतना बड़ा वाला मैं नहीं कह सकता। ये फिल इन द ब्लैंक्स ना आप लोग कमेंट में कर सकते हो जो आपके मन में आ रहा है, पर
होना टट्टी होना चाहिए वो। और ये क्या डायलॉग थे, राइमिंग पे राइमिंग, गलाई कलाई का नाम, गले का नाम, 56 इंच का नाम, पता नहीं क्या क्या नाम। अबे पिक्चर बना रहा है या फिर तू कपड़ा बना रहा है साले? दर्जी वही कर ले, सबसे बढ़िया वही रहेगा, पिक्चर बनाने से बेहतर तो वही रहेगा। एक सीन था कि एक हेलीकॉप्टर, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को इनको रोकना होता, नीचे लाना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक दो दो जॉन अब्राहम साथ में रोकते हैं और हेलीकॉप्टर रुक भी जाता है, रुक भी जाता है। कैप्टन अमेरिका को तक मतलब यहाँ पे एक ऐसे सहारा लेना पड़ा था, फिर उसके बाद एक हाथ से उस हेलीकॉप्टर को रोकना पड़ रहा था। कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो जॉन अब्राहम तो फिर भी मतलब एक आम इंसान उसमें दिखाया गया है। डायरेक्टर बोलते हैं मेरा एक ट्रिब्यूट है ऐसे डायरेक्टर्स को जैसे मनमोहन देसाई हुए। भाई ये कलंक है, ट्रिब्यूट नहीं है, ऐसा मत कर भाई, उनके नाम की बेइज्जती मत कर, रहने दे भाई। अभी तो बोल रहा तीसरा पार्ट भी लाएगा भाई, रहने दे तू प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। तो मेरी ओर से बेस्ट टट्टी फिल्म ऑफ द 2021 इज सत्यमेव जयते 2। टट्टी फिल्म ऑफ 2021 फॉर ऑडियंस इज राधे। उसने तो मतलब देखिए वो भी कम नहीं था। इसके ऊपर तो मैंने सीरीज बना रखी है, ये सीरीज की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, आई होप सो। ठीक है, ओके, तो चलिए अगले कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, यानी कि बेस्ट वेब शो ऑफ 2021 एंड नॉमिनेशंस आर फाइनली मैन सीजन 2 एस्पिरेंट्स स्क्विड गेम्स। बेस्ट वेब शो ऑफ 2021 इज Squid Games, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार लगा। बहुत जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा ही कमाल का था। मतलब यू नो, एक मजबूर सा आदमी रहता है जो थोड़ा सा गरीब सा रहता है और वो अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता है, सो इसलिए उसे पता नहीं कहीं अनजान सा आदमी मिल जाता है मेट्रो स्टेशन पे और उसे वो ऑफर करता है ऐसे गेम्स जो कोई भी अगर उसे खेलेगा तो वो जीत जाएगा मच अमाउंट ऑफ मनी। ऐसे गेम्स होते हैं जो अपन एक्चुअली बचपन में खेल तो चुके हैं, बट उसका एक एडवांस वर्जन। आप लोगों ने वो गेम खेला होगा ना, वो लंदन लंदन स्टैचू, फिर एकदम से आप स्टैचू हो जाते हो, फिर तब तक फिर मैं आप लोग दौड़ के आते हो मेरे को खत्ती करने के लिए, उतनी देर में आपको स्टैचू बोल देता हूँ। जो कोई भी हिला तो उसका मतलब वो आउट हो गया है ना। लेकिन इस गेम में उसका काम तमाम हरिओम स्वाहा हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि इसमें जो छोटे से छोटा गेम ना, मतलब इतने बड़े लेवल पे दिखाया है, इतने थ्रिलिंग वे में दिखाया है। और अब तो ये भी कहना है स्क्विड गेम्स में, स्क्विड गेम के डायरेक्टर का, कि सीजन 1 तो है ही, बट अब सीजन 2 भी आएगा और उसके साथ साथ अब सीजन 3 की भी प्लानिंग चल रही है नेटफ्लिक्स के साथ। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगला कैटेगरी है फॉर बेस्ट मार्वल शो एंड द नॉमिनेशंस आर लोकी, सब्जी वाला नहीं, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकआई। बेस्ट मार्वल शो मेरे हिसाब से था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, वाज द बेस्ट मार्वल शो एवर। बिकॉज मार्वल के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एक एक्शन वाला प्लॉट, वो इतना शानदार है ना उसका, वो बहुत ही बेहतरीन था। यू नो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, मतलब देखिए विंटर सोल्जर, ये दोनों ही कैरेक्टर ना कैप्टन अमेरिका की इर्द गिर्द घूमते थे और मतलब ऐसे साइडकिक्स लगते थे। लेकिन ना मार्वल ने इन दोनों कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया है कि इसके ऊपर एक बड़ी सी वेब सीरीज ही बना डाली है, जो कि टोटली यू नो इट्स वर्थ इट एंड देखना बहुत ही मजा आएगा। और इसमें कितना कमाल का एक्शन, जैसा कि हम मार्वल से एक बेस्ट एक्शन की आप लोग एक हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो पूरी होगी। साथ ही में इसका कैमरा वर्क जो आप देखिएगा, शुरू का जो एक फ्लाइंग एक्शन सीन है ना, उसमें कैमरा जो कैमरा वर्क हुआ है वो इतना लाजवाब, इतना ऑसम है। यू नो ऑल ओवर द सिनेमेटोग्राफी वॉज वेरी 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 गुड एंड फॉर द ऑडियंस द बेस्ट मार्वल शो 2021 इज वो है लोकी। भाई साहब सीजन 2 भी आना बाकी है, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। अगले कैटेगरी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि बेस्ट फिल्म ऑफ 2021 फॉर TFP एंड द नॉमिनेशंस आर जय भी, शेरशाह, सरदार उत्तम। ना ज्यादा नर्वसनेस, ना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करते हुए रिजल्ट को लाते हैं। गो टू जय भी। सो बहुत ही शानदार फिल्म,
by its performance. Like, you know, of course there is Surya. Surya apne mind blowing ek presence se wo film ko itna zyada strong bana dete hain, chahe unki dialogue delivery ho, chahe unki entry ho, chahe unka background music, the theme, it's so strong. उनके अपोजिट में प्रकाश राज जो दोनों जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब अंगार मचा देते हैं और द ऑडियंस इस फिल्म ऑफ 2021 कौन सी है सो सबसे ज्यादा वोट इन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिला है वो है शेरशाह को स्टार कास्ट परफॉर्मेंस आप चाहे देखिए सिद्धार्थ मल्होत्रा सरप्राइजिंगली कितने अच्छे निकले हैं उसके अलावा कियारा आडवाणी इन इमोशंस शी सो ब्रिलियंट और खास करके सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस किया है वो है उसका रियलिस्टिक वॉर एक्शन जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पे कोरियोग्राफ किया हुआ है उसके अलावा आप फिल्म का म्यूजिक ले लीजिए म्यूजिक इस फिल्म की जान है एक चार्ट बस्टर म्यूजिक मेरा डोला नहीं वो वाले भी और तेरी मेरी गल्ला होगी मैं जो वो रातल भैया It has been a trending of 2021. और जहाँ तक अभी की बात है तो मतलब अभी हाल ही में आई हुई फिल्म 83 भी बहुत अच्छा कमाल कर सकती थी एक बॉक्स ऑफिस पे लेकिन वो कर नहीं पा रही बिकॉज ऑफ दी ये हराम को ओमिक्रॉन बट यस फिल्म वाकई में बहुत ही कमाल है मतलब एक परफेक्ट फैमिली मूवी है और खास करके उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रीट है जो कि क्रिकेट लवर्स हैं जो कि उस जमाने में 1983 में वर्ल्ड कप को पूरा एंजॉय किया था एज एन इन टीवी और ऑन इन द स्टेडियम मतलब फिल्म वाकई में एक ऐसे थिएटर में गया था जो कि मतलब जो मॉल्स वगैरह में होते हैं मल्टीप्लेक्सेस उसके अंदर आप तो जानती हो कि कितने स्टैंडर्ड वाले लोग आते हैं मतलब पूरा हाउसफुल था है ना बट पूरी फिल्म लोग इतने शांत होते थे तुम सब बैठे हुए थे फैमिली वाले लोग और मैं मतलब इतने मोमेंट्स आए और मैं मतलब सोचता ही रहेगा कि मैं कैसे ताली बजाऊं मैं कैसे चलाऊं थिएटर में तो मतलब क्या ही होता है कि सब लोग मतलब बिना बात के जो चिल्ला चोट जो तालियां सीढ़ियां बजती हैं उसकी तो बिल्कुल भी कमी होती बट जैसे ही फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है जैसे सेकेंड हाफ जब आता है और उसमें ऐसे मैचेस ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो खुद लोग मजबूर हो जाते हैं तालियां बजाने में सीटियां बजाने में लिटरली बता रहा हूँ फैमिली ऑडियंस थी एक स्टैंडर्ड वाली वो तक वो एंजॉय कर रही थी फिल्म को खासकर कि भैया कपिल देव जो एक्शन पकड़ा है रणवीर सिंह ने ही सही में क्रिकेट है स्पेशली द म्यूजिक मतलब मैं हमेशा कहता हूँ एक रोमांटिक मूवी और एक स्पोर्ट्स मूवी में सबसे ज्यादा हाथ होता है एक म्यूजिक अच्छे म्यूजिक का और 83 में वो बात थी 83 में मोटिवेशन म्यूजिक की जहाँ जरूरत पड़ी थी वहाँ वो था और बैकग्राउंड में जैसे जैसे चल रहा था कबीर खान डायरेक्शन इज एज यूजुअल वेरी गुड कबीर खान हमेशा से ही इमोशंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं इमोशंस हो गया या किसी रिलीजन को एक अच्छा प्रेजेंट करना हो गया अपने कंट्री को अच्छा प्रेजेंट करना हो गया ये हम लोग बजरंगी भाईजान में खूब अच्छी तरह देख चुके हैं ट्यूबलाइट मैं जानता हूँ वो फिल्म थोड़ी सी थी भिड़ी सी लेकिन वाकई में उसने एक दो सीन्स में बहुत रुला दिया था और वैसे ही 83 भी वो काम करती है अगले कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं यानी कि अपने आप में अलग इंडस्ट्री हॉलीवुड को अलग कर देते और मार्वल को अलग कर देते भाई तो मानते हो कि नहीं भाई बेस्ट मार्वल फिल्म ऑफ 2020 आर नॉमिनेशन शैंग-ची इटर्नल्स स्पाइडरमैन नो वे होम और TFP बेस्ट मार्वल मूवी ऑफ 2021 इज शैंग-ची इज द बेस्ट फिल्म ऑफ 2021 फॉर TFP बिकॉज शैंग-ची एक ऐसी फिल्म है जिसमें मार्वल जो आपसे हमेशा प्रॉमिस करता है यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्वल बेस्ट एक्शन बेस्ट VFX वो सब इसमें कूट कूट के भरा हुआ है सो अगर कोई मान लो मार्वल को अगर मतलब अगर ज्वाइन करना भी चाह रहा है एज अ ऑडियंस कि हम मार्वल देखना शुरू करें सो उनके लिए सबसे फ्रेश स्टार्ट है और ये मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होगा फॉर मार्वल अगर कोई ये मार्वल देखना चाह रहा है तो शैंग-ची इज द बेस्ट फिल्म क्योंकि हमारे साथ जो एक दो जने थे जो हमारे साथ चले थे जो उन्होंने कभी मार्वल देखा ही नहीं था बट जैसे ही उन्होंने शैंग-ची देखी उसके बाद से वो मार्वल के फैन हो गए तो यस ये था 2021 झुनझुन पान मसाला प्रेजेंट्स TFP अवार्ड शो तो इसी के साथ हमारा वीडियो भी और साल भी समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला साल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और
हमें और भी अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिले, थिएटर बंद ना हो और OTT पे भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती रहें, और तो बल्कि जिंदगी है अच्छी तरह जी लो, और इसी के साथ अपन भी निकलो, तुम भी निकलो, और सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर कमेंट करके निकलो, है ना, ज्यादा चलो कुछ नहीं, शेयर तो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले साल, बाय बाय।